मैं एसपी साहब से भी बात करूंगी कि ऐसे थाना प्रभारी के जल्द से जल्द साहेबों से हटा दिया जाए और जो अच्छे छवि स्वच्छ प्रशासन है उसको यहाँ रिपीट करें। हटाना तो मैडम निदान नहीं है, क्योंकि अगर वो इस छवि के अगर रहेंगे थाना प्रभारी, जहाँ भी जाएंगे उस प्रकार का छवि इनका बरकरार रहेगा। वैशाली सांसद वीना देवी साहेबगंज थाना क्षेत्र में बीते दिनों घटित दोहरे हत्याकांड की जाँच करने स्वयं मृतक के पैतृक निवास साहेबगंज ग्राम बैरिया पहुँची। सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। आज दिनांक 5 मार्च 2022 को वैशाली सांसद वीना देवी मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज थाना क्षेत्र गौरव पंचायत ग्राम बैरिया पहुंची। मृतक के परिजन ने घटना की सारी बात बताई एवं अनाथ बच्चों के आंखों में आंसू देखकर वैशाली सांसद वीना देवी का दिल भर आया। वीना देवी ने कहा कि इस घटना में संलिप्त अभियुक्तों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि साहेबगंज थाना प्रभारी के प्रशासनिक लापरवाही की जांच होनी चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार से मांग करूंगी कि पीड़ित परिवार के पहले मुआवजा चाहिए। बच्चे छोटे छोटे हैं, आपके सामने में है, सारे लोग देख रहे हैं, इनको पूरे पढ़ाई लिखाई के खर्चा दे, इनका कैसे भरण पोषण होगा इसके लिए सरकार सोचे। इस ढंग के जो मनोबल बढ़ा के जो जनता रह रहा है, एक गरीब परिवार है, अपना बिजनेस करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, खाते हैं, बाल बच्चा को पोसते हैं, इस ढंग से साजिश के तहत जो मर्डर हुआ है, इसमें मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि दोषी जितने भी हैं वो बचना नहीं चाहिए। अगर उसके वो अगर बचता है तो आज इनके साथ हुआ है, इस गांव में किसी और के साथ होगा, बहुत सारे लोग के साथ ऐसा कर सकता है। इसलिए वैसे लोग को मनोबल को ढालना सरकार का काम है, प्रशासन के काम है। अभी आने के बाद जब मुझे पता चला है कि थाना प्रभारी का रवैया ठीक नहीं है, मैं एसपी साहब से भी बात करूंगी कि ऐसे थाना प्रभारी के जल्द से जल्द साहेबगंज से हटा दिया जाए और जो अच्छे छवि स्वच्छ प्रशासन है उसको यहाँ रिपीट करें। हटाना तो मैडम निदान नहीं है, क्योंकि अगर वो इस छवि के अगर रहेंगे थाना प्रभारी, जहाँ भी जाएंगे उस प्रकार का छवि इनका बरकरार रहेगा। हटाना निदान नहीं है, यहाँ से ट्रांसफर करके कहीं और करना निदान नहीं है। क्योंकि उनके जब 10 दिन या महीना दिन पहले जब इस दरवाजा पर गोली चला, मौका लेके लुक गया, उसी समय एक्शन में आ जाना चाहिए। जी मैडम, अगर किसी तरह के झगड़ा था तो दोनों पार्टी को थाना पर बुलाता, उससे हम दोनों से बात करते, समस्या का समाधान होता, केस हो जाता, तो एक बार इतनी बड़ी घटना नहीं होती। एक बच्चा 5 साल 8 साल 10 साल का बच्चा है, तीनों बच्चा, आप ही समझिए, जिसका पिता नहीं हो, घर से स्ट्रॉन्ग नहीं हो, उसको खाने पीने या भरण पोषण का कौन जिम्मा लेगा? प्रशासन यहाँ कमियाँ प्रशासन नहीं है, प्रशासन किसके दबाव में प्रशासन काम कर रहा है मुझे पता नहीं है। अभी तक जिस घर में लाश गिर गया उसी को धमकी प्रशासन भी दे रहा है कि अभी तक तुम भोग लिया, इससे तुमको पता नहीं चल रहा है। तो क्या जो आदमी अगर ये लोग भी झंझट के साजिश में रहते तो इनके पास भी हथियार होता, तो तरफी लाश गिरता, एक तरफी लाश नहीं गिर सकता कहीं भी झगड़ा हुआ है। ठीक है सर, मैं हमारे चैनल से बात करेंगे, धन्यवाद। सिटी न्यूज टुडे लाइव से बात करने के लिए धन्यवाद। जी मालूम है आपने वहाँ चला था संसद, कॉले बबलू भाई से सोनालिका वाले से बोले, हम बोलते स्पेशल जाकर के बोलेंगे, रात आए थे वहाँ, उनके बाबा जो मैनेजर है सोनालिका के वो भी आए। मैडम अभी परिवार का मांग यही है, जो हो गया उसको तो वापस नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिवार का मांग है कि सबसे पहले इस परिवार को सुरक्षा, और दूसरा चीज़ ये जो दोषी है उनको तुरंत स्पीड ट्रायल करवाए। एक और मांग है, एक इंसान को 20-20 गोली मारने वाला इंसान अभी खुला घूम रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि वो अभी भी हमें छोड़ देगा? क्या गारंटी है कि वो आज भी हमें छोड़ देगा? सरकार में तो सब कैसी है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, जो इंसान डेट के उनकी वाइफ की क्या हालत है, कोई खोज खबर नहीं है, 3 दिन तक हो गई, कोई बच्चे का पूछने नहीं है, बच्चे अभी तक खाया है नहीं, हम लोग इस हालत में है कि अपने बच्चे को संभाले गांव में, इसीलिए उस सबको चूज किया जाता है। आप जाकर वहाँ उस सबसे आवाज उठाइए, हम लोग उसको इस दिन के लिए नहीं चुन किए समझे, हम लोग सरकारों को भी टैक्स देंगे और अपने काम करवाने के लिए प्रशासन को भी पैसा देंगे, दोनों काम साथ में करेंगे। संख्या में सबके हाथ में राइफल बंदूक,
सबके हाथ में था। ये आप दिए थे पुलिस को? दिए थे ना, कोई सुनने वाला है पुलिस? मैडम हमने कहा है छोटा सा।